शुक्रवार सुबह से ही सोशल मीडिया पर कार्तिक आर्यन और दोस्ताना 2 को लेकर कई पोस्ट देखने को मिले। वहीं आखिरकार देर शाम को करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा ने इस बात का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया कि दोस्ताना 2 की दोबारा कास्टिंग होगी। इस पोस्ट के बाद से ही सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। फिर से होगी दोस्ताना 2 की कास्टिंग। बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन के पोस्ट से एक ओर जहां काफी बातें साफ हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई नए सवाल भी उठने लगे हैं। पोस्ट में लिखा है, प्रोफेशनल सर्कमस्टेंसेस के चलते जिससे हमने फैसला लिया है कि हम गरिमामय मौन बनाए रखेंगे। हम दोस्ताना 2 की कास्टिंग फिर से करेंगे, जिसका डायरेक्शन कॉलिन डेकुना है। कृपया ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कीजिए। धर्मा की पोस्ट में कहीं पर भी कार्तिक का नाम नहीं लिखा गया। इसके साथ ही पोस्ट में लिखा गया कि दोस्ताना 2 की रिकास्टिंग होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ कार्तिक को ही रिप्लेस किया जा रहा है या बाकी किरदारों के नाम भी बाद में सामने आएंगे। चर्चा में विक्की कौशल और राजकुमार राव। रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन के दोस्ताना 2 के बाहर होने के बाद एक बार फिर से राजकुमार राव चर्चा में आ गए हैं, जो कि इस फिल्म के लिए पहली पसंद भी बताए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार राव के साथ ही विक्की कौशल का भी नाम लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कार्तिक को रिप्लेस किए जाने पर अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक और जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि कार्तिक में घमंड आ गया है, तो वहीं कुछ का कहना है कि जो कि कार्तिक स्टार किड नहीं है, ऐसे में उसे बिना किसी वजह से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ फैंस कार्तिक को इस पूरे मुद्दे पर अपना पक्ष रखने की भी सलाह दे रहे हैं। वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स कार्तिक की तुलना सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत से कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि करण जौहर ने सुशांत और कंगना को भी ऐसे ही परेशान किया था। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।